नवोदय न्यूज में मैं योगेश्वर वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दिनांक 28 नवंबर 2017 को मुख्यमंत्री कप 2017 का आयोजन किया गया। कन्या वॉलीबॉल टीम जिसकी कैप्टन निकिता प्रधान थी ने द्वितीय स्थान हासिल किया। प्रथम स्थान पर कटनी रही। 200 मीटर दौड़ में कक्षा 8वीं की छात्रा विशाखा चौधरी ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि दौड़ की शुरुआत में उसे धक्का भी लगा था, मगर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपना स्थान बनाए रखा। सौ मीटर की दौड़ में माइग्रेशन की छात्रा अंकिता बेहरा ने चार प्रतिभागियों को हराकर प्रथम स्थान हासिल किया। तिरसठ किलोग्राम भार वर्ग में कक्षा 11वीं की छात्र आशुतोष बर्मन ने अपने प्रतियोगी को धूल चटाकर कुश्ती प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया। पचास किलोग्राम भार वर्ग में कक्षा 9वीं के छात्र प्रियांशु चौधरी कुश्ती प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान पर रहे। ज्यादातर छात्रों के लिए नवोदय से बाहर खेल में भाग लेने का यह पहला अनुभव था। सौ मीटर दौड़ में दुर्गेश विश्वकर्मा दूसरे स्थान पर रहे। यह प्रतियोगिता मुख्य अतिथि के सामने आयोजित की गई। प्रथम और द्वितीय का फासला बहुत ही कम रहा और रोमांचक भी रहा। चार सौ मीटर दौड़ में कक्षा 9वीं के छात्र सचिन सिंह दूसरे स्थान पर रहे। दौड़ की शुरुआत में इन्होंने बढ़त बनाए रखा, मगर अंतिम क्षण में वो पीछे रह गए। दो सौ मीटर दौड़ में कक्षा 10वीं के छात्र सुयश जैन तृतीय स्थान पर रहे। दौड़ की शुरुआत में ही इनका पैर दूसरे खिलाड़ी से फंस गया था, अन्यथा इनका प्रदर्शन और बेहतर होता।
खेल का आयोजन एसीसी ग्राउंड कटनी में किया गया। इस प्रतियोगिता में जवाहर नवोदय विद्यालय बड़वारा कटनी से कुल 63 छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें 39 छात्र और 24 छात्रा शामिल थे। नवोदय न्यूज़ सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल से जुड़े रहें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले न्यूज़ को आप देख पाएं।